और उसके बाद अगर ऐसा होता है कि एक पॉइंट आता है गवर्नर, इस सब के अंदर अगर कोई भी पर्सन जो ये सारी कंडीशंस ऊपर प्रिस्क्राइब की गई हैं, अगर वो उसको डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, अगर उसको नहीं फॉलो करता, तो उसके बाद वो क्या होगा, वो उसका जो गवर्नर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन गवर्नर उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन की जो ओपिनियन लेगा ही लेगा। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेंस ऑफ अ 10th शेड्यूल, ये इसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। नंबर फर्स्ट, वॉलंटरी गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो खुद से ही कह रहा है कि भाई मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहना है, मुझे छोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल, ठीक है। नंबर टू, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज बिलोंगिंग टू अ कांग्रेस पार्टी बट इन द असेंबली दे हैव टू वोट अगेंस्ट हिज पार्टी ओपिनियन एंड समवन एल्स, देन ही इज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर। नंबर थ्री, इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस द पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है किसी और उसको मतलब पॉलिटिकल पार्टी को, तो ऑटोमेटिकली से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नंबर फोर, नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 months ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे 6 months के बाद पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद ये बोलता है जो डिस्क्वालिफिकेशन है 10th शेड्यूल के अंदर वो बाय द स्पीकर होएगी इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बाय चेयरमैन होगी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1992 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के अंदर इस 10th शेड्यूल की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उनको मेंशन किया गया है। उसके बाद पॉइंट आता है वकेटिंग ऑफ सीट्स, वकेट्स कब हो जाती हैं सीट्स। नंबर फर्स्ट जब पॉइंट आता है डबल मेंबरशिप का, जैसे क्या होता है एक पर्सन है उसने लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपनी सीट ले ली, फिर क्या होगा वहाँ पर जो हाउस होगा स्टेट लेजिस्लेचर उसकी एक जगह पर सीट वहाँ पे वो कर देगा मतलब फिक्स कर देगा और दूसरी जगह पे उसकी ऑटोमेटिकली सीट वैकेट हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो ऑटोमेटिकली वो सीट वैकेट हो जाएगी ना। उसके बाद अगर कोई रिजाइनेशन दे सकता है तो भी वो वैकेट हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा वो चेयरमैन को देगा और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा वो स्पीकर को देगा अपना रेजिग्नेशन, और ये उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। उसके बाद एब्सेंस, अगर वो मोर देन 60 days एब्सेंट रहता है बिना किसी परमिशन के तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरे केसेस आते हैं इसमें, इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, जो इलेक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा वॉइड हो जाए तो उसमें भी ऑटोमेटिकली वो मेंबर नहीं बनेगा। एक्सपेल्ड बाय द हाउस, अगर हाउस ने उसको निकाल दिया। नंबर थ्री, इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। अपॉइंटेड टू द ऑफिसर ऑफ गवर्नर, अगर वो किसी भी ऑफिसर ऑफ गवर्नर के लिए अपॉइंट किया गया तो। ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर, यहाँ पे क्या होगा कि जो गवर्नर के सामने ये लोग अपनी ओथ लेंगे और पर्सन जो अपॉइंटेड किया जाए जिन्होंने इनको अपॉइंट किया उनके सामने, और ये ओथ के अंदर बोलेंगे टू बियर द ट्रूथ फेथ एंड एलिजेंसेस, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज हाउस अनलेस मेंबर्स टेक ओथ कांट वोट, जब तक कि वो लोग वोट नहीं लेंगे वो ना तो वोट कर सकते हैं और ना ही वो किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही उनके पास कोई इम्यूनिटीज़ है ना कोई प्रिविलेजेस है। उसके बाद अगर कोई पर्सन बिना ओथ के किसी भी सिटिंग के अंदर जाके बैठ जाता है हाउस के अंदर, तो उसको 500 rupees फाइन चार्ज होता है हर डे के हिसाब से जितने दिन वो सिटिंग के अंदर जाएगा। और अगर वो जानता है, दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर वो जानता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी उसके लिए 25 है 30 चाहिए एज, लेकिन वो क्या कहते हैं 24 की एज में ही चला जाता है वहाँ पर, ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई है तो उसे 500 का फाइन पे करना पड़ेगा। और ही इज़ प्रोहिबिटिंग फ्रॉम सिटिंग, अगर वो उसने ओथ ही नहीं ली तो वो सिटिंग में नहीं बैठ सकता। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इनको ये ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर हैज़ इट्स ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन है।